विथ अ सिंगल विंडो सिंगल टेस्ट तो जल्दी से देखिए क्या है एलिजिबिलिटी कैसे फॉर्म भरना है और बाकी सारी डिटेल सो दैट की आप टाइमली फॉर्म भर दें और बाकी चीजों के लिए प्रोसीड कर सकें सो दिस इज द न्यू पोर्टल फॉर द पी एच डी एंट्रेंस समॉट ए सी डॉट इन ये अभी तक यू जी के अलग पोर्टल थे एन टी जिसके भी टेस्ट कराता है गेट के यू जी और जितने भी टेस्ट कराता है जी पैट वो सबके पोर्टल अलग हैं और अभी पी एच डी एंट्रेंस का पोर्टल सक्सेसफुली आ चुका है सो दैट इज़ वाई वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द डिटेल्स कि कब आएगा फॉर्म सो सी पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट फॉर द डी यू जे एन यू बी बी एच यू बी बी ए यू अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो हम आपको बता दें लाइक फ्रॉम नाइन्थ ऑफ ऑगस्ट टू 8th ऑफ सेप्टेम्बर एक महीने का टाइम है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली ट्रांस जो आपको ट्रांजेक्शन करना है एप्लीकेशन फीस का वो भी आपकी एट्थ लास्ट डेट है फिर उसके बाद अगर कुछ करेक्शन है तो यार देखो इस ये एन टी ए बाई डिफॉल्ट देता है सो करेक्शन विंडो में आप लोग को नहीं जाना है जस्ट जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो ध्यान से फॉर्म फिल करना है सो so दैट की कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी पड़े एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा डेट ऑफ एग्जामिनेशन पॉसिबली विद इन अ वन टू मंथ जब ये ख़त्म होगा यानी अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर में हो सकता है डेट आ जाए अक्टूबर मोस्ट पॉसिबली नवम्बर ठीक है फिर टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन वन एटी मिनट्स होगा टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश होने वाली है एक्सेप्ट लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेजिज़ के फील्ड में पी एच डी करने वाले हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं जो लैंग्वेज में हैं उनकी लैंग्वेज वही रहेगी मगर बाकी सबकी इंग्लिश होने वाली है सो दिस इज़ द मेन नोटिफिकेशन जिसके बारे में आपने देख लिया कि डेट्स क्या हैं अब हम आ जाते हैं इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन पे जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही अच्छा बहुत ही डिटेल्ड बुलेटिन बनाया है जिसको कि देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएंगे क्या है एन टी सेंटर क्या है मोड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर लिस्ट ऑफ प्रपोज सब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एलिजिबिलिटी एंड ऑल चलो सो जो बेसिकली जो मेन मेन डिटेल है वो आपको कवर करते हैं जो एप्लीकेशन फीस है दैट यू हैव टू गिव ट्वेल्व हंड्रेड रुपीज़ फॉर द जनरल इलेवन हंड्रेड फॉर द ओ बी सी कैटेगरी थाउजेंड एंड ऑल कैटेगरी थाउजेंड एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर देना चाह रहे हैं तो एट हंड्रेड रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे बट आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत पड़ेगी सो so, आपको एक ही टेस्ट देना है नाउ कैसे होगा एग्जामिनेशन तो एग्ज़ामिनेशन कैसे होने वाला है ये दो शिफ्ट में होगा बट ये बाद में अनाउंस होगा सो तो आपको अभी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अभी फॉर्म भरना है उसी पर फोकस करना है सेंटर डेट कैसे शिफ्ट होगी कैसे पैटर्न होगा ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जैसे एनटीए के यूजी और पीजी में आते हैं पर आपको फॉर्म वो फिल करना होगा नाउ, दिस इज ऑल अबाउट द इंस्ट्रक्शंस हाउ टू फिल द फॉर्म सो आई गेस देर डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अराउंड द कि हाउ टू फिल द फॉर्म सक्सेसफुली इफ स्टिल एनी डाउट देन यू जस्ट प्रोसीड फॉर योर रजिस्ट्रेशन एंड एनी केस यू जस्ट सेंड द स्क्रीन शॉट टू आवर टेलीग्राम रिसर्च ग्रुप उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे नाउ सी मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है सी जिसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट होगा और हंड्रेड एम सी होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिसमें दो सेक्शंस होंगे बिल्कुल सिमिलर टेस्ट है जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती थी बी एच यू उसी तरीके का टेस्ट है बट कंडक्ट करा रहा है इस बार एन सो so, आपको एक एग्ज़ाम देना है पांच नहीं तो अगर आप चार एग्जामिनेशन देते तो कम से कम चार हज़ार पाँच हज़ार रुपये फीस एप्लीकेशन जाती बट नाउ ओनली दिस वन थाउजेंड रुपीज़ यू आर एलिजिबल फॉर ऑल फोर यूनिवर्सिटीज़ सी दिस इज़ द प्रपोज सब्जेक्ट फॉर द पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट तो आपको टेस्ट को ध्यान से देखना है ये टेस्ट कोड हैं स्टडीज़ के जो नेम ऑफ द कोर्स हैं और ये उनका क्वेश्चन काउंट है तो ये आपको फिल करना होगा वेन यू विल गोइंग टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म सो प्लीज़ बी बी केयरफुल पेपर टेस्ट कोड ध्यान से देखना अपने लैंग्वेज के हिसाब से आ, किस कोर्स में हो साइंस बॉटनी ठीक है तो ये उसका टेस्ट कोड है अभी मल्टीपल टेस्ट कोड आएंगे बिकॉज एक सब्जेक्ट का है एक स्पेशलाइजेशन का है ये देखिए कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे बायो इंफोमेटिक्स इनके टेस्ट कोड मल्टीपल है ठीक है बायो इन्फोमेटिक्स में अलग अलग ऊपर कोर्स और वो आ रहे हैं इसीलिए इसका मल्टीपल टेस्ट कोड है सो नथिंग टू वरी आप आराम से रजिस्ट्रेशन कर लो एंड स्टिल इफ यू विल फील कि ये चीज़ नहीं समझ आ रही है देन लेट मी नो दिस इज द टाइम टेबल फॉर पी एच डी एंट्रेंस टेस्ट शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू तो शिफ्ट वन में किस किस को ये लोग करने वाले हैं वो है सपोज अगर आप बायोटेक से देना चाह रहे हैं तो आपका शिफ्ट वन डे टू को पड़ेगा अब ये डे कौन सा होगा दिस हैज़ बीन येट नॉट डिक्लेयर्ड सो डोंट गेट वरीड अबाउट दैट नाउ द एज लिमिट एन ने बोला है कि कोई भी एग्जामिनेशन दे सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन जो भी एज हो आपकी आप दे सकते हो बट फाइनल एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी का ही होगा तो so, यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को फॉलो करना होगा अगर यूनिवर्सिटी ने कुछ स्पेसिफिकेशन लिख रखा है कैटेगरी वाइज़ सो यू कैन नॉट डिनाई सो प्लीज़ बी केयरफुल विद दैट रिज़र्वेशन एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलेगा आपको अगर आप कैटेगरी के हैं सन यू विल गेट अ रिजर्वेशन बेनिफिट फाइन ना चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ 97 सिटीज़ हैं आप आराम से कोई भी सिटी चूज़ कर सकते हो कि आप कहाँ पे देना चाह रहे हो सो आई डोंट गेस कि आपको बहुत दूर जाके ट्रैवल नहीं करना कहीं भी आसपास की सारी सिटीज़ हैं आप वहाँ पे ये देखिए हर स्टेट की जितने भी हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वेस्ट बंगाल 97 कोड हैं इसके तो आप आराम से इसमें कहीं पे भी सेंटर दे सकते हैं फिल कैसे करना है फॉर्म दिस इज़ वेरी सिंपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया तो अब देखिए होगा क्या अब हम लोग बात करते हैं कि जब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा सो एन टी ए विल रिलीज द रिज़ल्ट एक मेरिट लिस्ट रिलीज़ होगी कि ये मेरिट लिस्ट आई है फिर उस रिज़ल्ट के बेसिस पे यूनिवर्सिटीज़ अपनी कट ऑफ रिलीज करेंगी यूनिवर्सिटीज़ सपोज बी एच यू बी एच यू अपनी कट ऑफ रिलीज करेगा कि आउट ऑफ़ हंड्रेड क्वेश्चन जो हमारी कट ऑफ जा रही है वो जा रही है फिफ्टी फाइव मार्क्स सो फिफ्टी फाइव मार्क्स के जो नीचे वाले हैं फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर वो लोग कट ऑफ़ में नहीं आ पाएंगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे सिमिलरली डी यू जे एन यू सारे लोग अपनी कट ऑफ रिलीज़ करेंगे और आपको उनकी काउंसलिंग में जाना है एंड काउंसलिंग में जाने के बाद यू विल बी सेलेक्टेड और नॉट दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ यूनिवर्सिटी एन टी को इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि आपका फाइनल सेलेक्शन कैसे हो रहा है एन टी ए इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन जब एन टी ए रिज़ल्ट डलियर करेगा सो so आप उस रिज़ल्ट को चैलेंज भी कर सकते हो जो क्वेश्चन के आंसर आएंगे आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये गलत है ये गलत है या ये, ये सही है ठीक है उसको चैलेंज करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग और काउंसलिंग होने वाला है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सो प्लीज़ बी केयरफुल कि आपको फॉर्म ठीक से अप्लाई करना है उसके बाद काउंसलिंग और उसके बाद रिजल्ट सो आई गेस सारे लोग बहुत खुश होंगे कि फाइनली वो टाइम आ गया जब सारी यूनिवर्सिटीज एक साथ एग्जामिनेशन करा रही हैं अब एक इम्पॉर्टेंट थिंग कोई बोलेगा सर मेरा नेट नहीं है जे है तो क्या मैं एग्जाम दूँ अगर मेरे पास जे है सो कैन वी गिव दिस एग्ज़ाम यस ये एग्जामिनेशन ओपन फॉर ऑल है आप मास्टर्स हो फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स है बेसिक क्वालिफिकेशन है यू आर एलिजिबल फॉर दैट आप अगर डायरेक्टली एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपने एग्जाम्शन का फॉर्म भरा है एग्जाम कैटेगरी का डायरेक्ट ले सकते हैं बट आई सजेस्ट कि आप लोग भी एग्जाम दो क्योंकि एग्जामिनेशन की सीट डिफरेंट है सो दिस इज माई पर्सनल रिकमेंडेशन फॉर यू बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन दिमाग में होंगे तो हम उसको डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे बाय टेक केयर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज उसके अंदर सिर्फ साइंटिफिक डिस्कशन चल रहा है और बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं टाइम टू टाइम बाय